हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप एवरीवन इज गुड, एवरीबॉडी इज फाइन एंड माय नेम इज सरफराज। यू आर वाचिंग एसएफजेड व्लॉग और आज अपने पास है बजाज की टॉप सेलिंग बाइक पल्सर एनएस 200 जो आती है 200 सीसी के पावरफुल सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ जो कि प्रोड्यूस करती है 24.13 बीएचपी 89,750 आरपीएम पर। एंड टॉर्क की बात करूं तो ये प्रोड्यूस करती है 18.74 न्यूटन मीटर टॉर्क 88,000 आरपीएम पर। तो चलिए अभी बाइक को करते स्टार्ट और जितनी भी बातें हैं वो ऑन द गो करेंगे। बाइक में क्या क्या चीजें मिलती है, क्या क्या कंपनी से मतलब क्या क्या फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे आपको, ये सब बातें अपन ऑन द वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो इसके अंदर मिल जाता है 12 लीटर का फ्यूल टैंक एंड 2 लीटर का रिजर्व कैपेसिटी इसमें आता है। पीएम लिमिटर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे अपन अगर फुल आरपीएम पर बाइक को चलाएंगे ना तो देखो ये 9000 के ऊपर जाते हैं, आरपीएम लिमिटर ऑन हो जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाता है डिजिटल में, टैकोमीटर यहाँ पर एनालॉग में आता है, फ्यूल गेज भी यहाँ पर डिजिटल में मिलेगा, गियर इंडिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्लॉक यहाँ पर देखने को मिलेगी, नंबर ऑफ ट्रिप मीटर 2 यहाँ पर मिलते हैं। ये जो साइनेजेस आते हैं मतलब बाइक से रिलेटेड, न्यूट्रल का यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिलेगी, जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर बैटरी ऑयल। और ये बाइक आती है लिक्विड कूलिंग इंजन के साथ, जैसे कि अगर आप सिटी में बाइक चला रहे हो तो बाइक हीट नहीं होगी, ये सबसे अच्छा बेनिफिट है इस बाइक का। अगर आप सिटी में चलाना चाहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडिकेटर का यहाँ पर स्विच है, हाई बीम लो बीम, पासिंग स्विच, हॉर्न, किल स्विच और फ्यूल डिलीवरी सिस्टम जो इसका होता है वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो ये बाइक आती है डुअल चैनल एबीएस के साथ। फ्रंट ब्रेक की बात करूँ तो 300mm डिस्क के साथ यहाँ पर ग्रे मेकर का डुअल पिस्टन कैलिपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। लिक्विड कूलिंग सिस्टम यहाँ पर है, डुअल डिस्क के साथ ये बाइक आती है। और ट्रांसमिशन की बात करूँ तो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अंडरबेली एग्जॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ भी यहाँ पर मतलब एग्जॉस्ट पाइप यहाँ तक नहीं आएगा। और हेडलाइट की बात करें तो हैलोजन हेडलाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी, एलईडी सिस्टम नहीं दिया गया है, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। और इसकी सीट हाइट आती है 805mm की, इसमें सीट हाइट देखने को मिलेगी जो कि सीट बहुत कंफर्टेबल है। बाइक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है इसमें। शायद से इसका ABS ऑन है या ऑफ है, आई डोंट नो। तो ये बाइक मुझे मिली है JM बजाज से, जिसके लिए मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ उनका। सिटी में ये बाइक है ना मतलब अच्छे से चला सकते हो आप, बढ़िया चलेगी, बढ़िया एक स्पोर्ट्स बाइक का, नेकेड बाइक का आपको फील आएगा, पावर बहुत अच्छा है इसमें। मतलब फर्स्ट टाइम मैं NS 200 चला रहा हूँ अभी एंड आई होप आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और बाकी की जितनी भी डिटेल है ना बाइक की वो सब मैं आपको मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पर, जो कि बाकी मेन मेन डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी अभी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी हो चुकी है, ये देखो अभी आराम से इसको भगा लो, कैसे भी चला लो, सिटी में बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। पावरफुल बाइक है यार ये, पावरफुल। और टॉप स्पीड की मैं बात करूं इस बाइक की तो ये 125 km/h की स्पीड से चल सकती है, बट आप चलाना मत, इट्स नॉट सेफ फॉर इंडियन रोड। सिटी में आप इसको 60-70, 40-50 पर आराम से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बेस्ट पार्ट इस बाइक का है, इसके अंदर आता है रेडिएटर, लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ ये बाइक आती है, तो जिससे अगर आप ट्रैफिक में भी फंस जाओगे ना तो बाइक ओवरहीट नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इसका बेस्ट पार्ट है बाइक का। और मेंटेनेंस भी इस बाइक का आई गेस ज़्यादा नहीं होता है, बजाज मतलब इंडियन कंपनी है तो दिस इज़ रियली नाइस। बजाज इतना इम्प्रूवमेंट कर रहा है अपनी बाइक्स को लेकर के, इतने सारे फीचर्स बाइक में दे दिए है, डुअल चैनल ABS आ गया है सेफ्टी के लिए, और ब्रेकिंग सिस्टम भी डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ, ब्रेक सारे फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ आता है, फ्यूल इकोनॉमी ये बाइक देती है 35 से ऊपर ही जाती है, अप टू 35, और दिस इज़ रियली नाइस। और इतने सारे इंडिकेशंस यहाँ पर मिल जाते हैं अपन को। और जिसको भी बाइक लेनी है तो वो JM बजाज टोंक रोड पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेस्ट डील पाने के लिए। एंड मुझे थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, आई हैव रीच, दिस इज बजाज पल्सर NS 200 जो कि मुझे मिली थी JM बजाज टोंक रोड जयपुर से, और जिसका मैंने रिव्यू किया है अभी। और ये बाइक बहुत अच्छी है चलने में, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स है, डुअल चैनल ABS, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, काफ़ी कुछ। और अगर आपको बाइक का एक्सपीरियंस करना है तो आप जयपुर में JM बजाज से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, डू सपोर्ट योर ब्रदर फ्रॉम जयपुर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, आप भी।